कोई गुट के लोग, कोई कोई गुट नहीं है, कांग्रेस एक है। हुड्डा साहब वायरल हो रहा है हरियाणा में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हैं जी, नारा वायरल हो रहा है बाप बेटे की नहीं चलेगी, वो कौन है क्या जो नारा वायरल हो रहा है सर? कांग्रेसी के कुछ कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे हैं वो कुछ हो गए, शरारती तत्व हो गए, उसका कोई मायने नहीं है। हुड्डा साहब, ये कार्यक्रम जो आपके हो रहे हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर हो रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर हो रहे हैं? आपको तो भावी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा है मुख्यमंत्री के तौर ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। विपक्ष में आज विपक्ष के नेता हूँ, ये अध्यक्ष है और लोगों की आवाज उठा रहा है, उनकी बात सुनता सब कुछ है। और जहाँ तक मैं कह चुका हूँ कांग्रेस लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। सर, ओम प्रकाश धनखड़ जी का कहना है कि लोकसभा के चुनाव आने हैं, उसकी तैयारी किया कांग्रेस की? कांग्रेस तैयार है, बजने दो ढंग का। कितनी सीटें आ जाएंगी अपनी कांग्रेस की? कांग्रेस की आज तो एक भी नहीं है ना, हमारी अच्छी सीटें 10 के 10 आएंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने तो हुड्डा साहब, अब क्या वजह है कि जो रिपोर्ट थी ऑब्जर्वर की वो चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली ली जा रही है? तो उनसे प्रभारी जी बोले उनको वहाँ कार्यक्रम पहले वहाँ का था, यहाँ का दिल्ली का है। क्या कलह की वजह से वहाँ बुलाया जा रहा है? नहीं, कोई वजह, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कोई कलह नहीं है। आप लोगों की बनाई हुई कलह है, कोई कलह नहीं। सर, आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे जैसे सोनीपत से पिछली बार लड़े थे, आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। नहीं सर, पिछली बार चुनाव हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। लड़ूंगा तो पता लग जाएगा, नहीं लड़ूंगा तो पता लग जाएगा। आप उतर ली है कोई G20 को कैसे देखते हैं सर? G20 हो रहा है और आज समाप्त भी हो चुका है, देश की उसमें वो है, भारत के नेतृत्व में हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो सबको शामिल करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।